तीन मैजिकल फिशरमैन। विंध्या पर्वतों में एक स्वामी जी रहते थे। उनके तीन शिष्य थे, लंबो, जंबो और सिंबो। वो आपस में मैं होशियार हूँ, मैं सबसे होशियार हूँ कह के लड़ते रहते थे। इतना ही नहीं, वो कभी कभार स्वामी जी से छिपकर नदी के पास जाते थे, मछलियां पकड़ते, उन्हें खाकर वापस लौटते थे। एक दिन स्वामी जी को इस बात का पता चला। उन्होंने उन तीनों को बुलाया। स्वामी जी उन तीनों से, अरे मूर्खो, तुम लोग यहाँ किस मकसद से आए हो और तुम ये कर क्या रहे हो? मैंने कितनी बार समझाया कि हम लोगों को मांस खाना निषिद्ध है, लेकिन लगता है तुम तीनों का मांस से मोह नहीं छूटा। अब जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम तीनों आज से मछलियों की जिंदगी बसर करो। कहकर श्राप दिया। वे तीनों मछलियां बनकर छटपटाने लगे। तब उनमें से एक मछली, स्वामी जी हमें माफ कर दीजिए, हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, आप हमें श्राप से मुक्त कर दें स्वामी जी, प्लीज स्वामी जी हमें माफ कर दीजिए। देखो, एक बार मैंने जो श्राप दे दिया मैं वापस नहीं ले सकता। हाँ, उसमें मैं परिवर्तन जरूर कर सकता हूँ। तुम तीनों मछली नहीं, मछुआरे बनकर जियो। इतना ही नहीं, तुम तीनों मछलियों के लिए जो जाल फेंकोगे उसमें सोना, पैसे, हीरे सब फंसेंगे उस जाल में। तुम वो सब लोगों में बांटो, उन्हें खुश करो, फिर मेरे पास लौटना। और एक आखिरी वरदान देता हूँ, जब तुम तीनों परेशान हो तो कोई एक इच्छा प्रकट करना। अब जाओ। यूं कहते ही वे तीनों एक मछुआरे के रूप में बदल गए। वे नदी के पास जाकर मछलियां पकड़ने लगे। उनके हाथ तीन मछलियां लगी। वो उन्हें पकाकर खाना चाहते थे, लेकिन अजीब बात ये थी कि उन मछलियों के मुंह से सोना, हीरे और रुपए गिरने लगे। ये देखकर तीनों हैरान हो गए। अब मछलियों के मुंह से हीरे, सोना और पैसे गिरते हुए डोंगरे नाम का एक किसान ने देखा। वो अपने मन में, पता नहीं ये सब कौन है, बड़ा तगड़ा माल हाथ लगाए, मैं अकेला गया तो ये तीनों मिलकर मुझे कुछ कर देंगे, सब गाँव वालों को बताना होगा। अब सब गाँव वालों के सामने तो ये कुछ कर नहीं सकते। यूँ सोचकर वो गांव में गया और इन तीन मछुआरों के बारे में उसने गांव वालों को बताया। ये सुनकर सब गांव वाले दौड़ते दौड़ते इन तीनों मछुआरों के पास आए। उन्होंने देखा कि इन तीनों मछुआरों के हाथ में जो मछलियां थी उनके मुंह से सोना, पैसे और हीरे गिर रहे थे। तब डोंगरी लंबो से, तुम तीनों कौन हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, तुम तीनों के हाथ में जो सोना, हीरा और पैसे हैं वो सब हमें चाहिए, वरना देख रहे हो ना हम कितने सारे लोग हैं यहाँ पे, हम तुम तीनों को मार डालेंगे। तब सिंबू, यार पता नहीं ये लोग कौन है, बहुत सारे लोग आए, अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो हमें ये मार डालेंगे, उन्हें जो चाहिए वो हम दे देते हैं उनको। कहकर उसने मछली के मुंह को दबाया तो उसके मुंह से सोना, हीरे और पैसों का ढेर लगने लगा। लोग खड़े खड़े वो सब देख रहे थे, उनसे टोकरियां भरने लगी। बाद में लोग वो सब लेकर जाने लगे। तभी डोंगरी उन तीनों के पास आया और लंबो, जंबो और सिंबू को रस्सी से बांधकर अपने साथ ले जाने लगा। फिर गांव में ले जाकर उन तीनों को एक पेड़ से बांध दिया। उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं दिया। इस तरह हर रोज उन तीनों को वो नदी के पास ले जाते, उनसे मछलियां पकड़वाते, फिर उन मछलियों के मुंह से पैसे, हीरे और सोना निकालते, फिर इन तीनों को वापस लाकर पेड़ से बांध देते थे। ये सिलसिला जारी रहा। यूं एक हफ्ता बीत गया। एक दिन सिंबू लंबो से, यार ये क्या हो रहा है, इन गांव वालों का रुपए, सोना और हीरे के प्रति लालच खत्म ही नहीं होती यार, हमें पेड़ से बांध दिया और खाने को भी नहीं दिया यार एक हफ्ते से। तब लंबू, और यार इसीलिए गुरुजी ने कहा था कि लोगों में जाकर पैसे बांटो, देखा चाहे इंसान को जितना मर्जी संपत्ति दो वो खुश नहीं रहता। तब जंबू, यानी जब तक इनकी इच्छा पूरी ना हो हम गुरुजी के पास नहीं जा सकते, यानी यहाँ से बचने का एक ही रास्ता है, हम गुरुजी को याद करें और इस मुसीबत से छुड़ाने की प्रार्थना करें। यूँ कहकर तीनों ने मिलकर गुरुजी को याद किया। हैरानी की बात ये थी कि उन तीनों के रस्सी खुल गए। वे तीनों वहाँ से बचकर भाग निकले। उनको जाते हुए देखकर गांव वाले उनके पीछे भागने लगे, लेकिन गांव वालों से बचकर वे तीनों वापस अपने गुरुजी के पास लौट गए।